हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं आके जी नेनुआ के फूल लिए हैं, इसमें कोढ़ी भी है फूल भी। इसको हम चोखा बनाएंगे, जा रहे हैं चोखा बनाने। इसके लिए हरा मिर्च और लहसुन लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं कढ़ाई में गरम करके, और इसको इसमें मिर्चा लहसुन डाल देते हैं कि अच्छी तरह से लास्ट में पक जाएगा, और ऊपर से हम फूल डाल लेंगे। और इसको फूल डाल के बाफे में हम पकाएंगे। इसको हम पानी इसमें नहीं डालेंगे, कहे कि स्वाद अच्छा नहीं होता है बिना पानी के। धीरे धीरे मध्यम आँच पर आप पकाएंगे तो अच्छा होगा। स्वाद के अनुसार नमक ले लेते हैं इसमें। अब इसको हम ढक लेते हैं, इसको ढक के हम पकाएंगे। बीच बीच में देखेंगे, देखिए मेरा सोख के कितना सा हो गया फूल। अब इसको थोड़ा देर फ्राई कर लेते हैं, और इसको थोड़ा फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कितनी सा हो गया गल के। अब इसको निकाल के हम कूट लेते हैं। जो कूटने के लिए हम लकड़ी के बना के रखे हैं, उससे बहुत अच्छा कूटा जाता है। और अब खल में भी कूट सकते हैं, बाकी हमको इसी से आसानी होता है। बहुत बारीक हम इसको कूट लेंगे, बहुत महीन कर लेंगे। इसका बना के आप लोग चोखा खाइए, बहुत स्वादिष्ट टेस्टी होता है। एक बार खा लेंगे तो आपको बार बार मन करेगा खाने के लिए। जल्द मंगाइए, बना कर खाइए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।